कैलाबाद खंड के गांव ढाणी शहरा के पंचायत घर में 3 दिवसीय प्रो नाइट कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया, जिसमें हरियाणा, राजस्थान व पंजाब सहित अन्य प्रदेशों में कबड्डी की टीमों ने भाग लिया, जिसमें 15 अगस्त को पहले दिन नाइट कबड्डी टूर्नामेंट में लड़कियों का गेम हुआ, तो वहीं दूसरे व तीसरे दिन लड़कों के कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हिसार व गंगानगर की टीम फाइनल में पहुंची, जिसमें गंगानगर की टीम विजेता रही, वहीं हिसार की टीम उपविजेता रही। वहीं विजेता व उपविजेता टीम को नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पिछले 3-4 वर्षों से हर वर्ष 3 दिवसीय प्रो कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन युवा समाज सेवी हरमन सिंह ढिल्लो व अशोक मलेठिया द्वारा ग्राम पंचायत ढाणी शहरा के ग्राम वासियों के सहयोग से कराया जाता है। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि नथुराम ब्रावर, सरपंच मिठनपुरा राम कुमार गोदारा, जयवंत ब्यावत, राम प्रताप सोलंकी, समाज सेवी कुलदीप मुंदलिया, राजेंद्र कुमार, रमेश सहारन सहित समस्त ढाणी शहरा ग्रामवासी मौजूद रहे। एलाहाबाद से कुलदीप मुंदलिया की रिपोर्ट। आज का जो दौर है युवा नशे की तरफ, हमारा एक आज से 4-5 साल पहले हमने एक बनाई थी योजना कि कौन से खेल किए जाए। क्रिकेट अमूमन चलती है, लेकिन क्या कबड्डी को कोई नहीं देता, तो कबड्डी तो हमारा मोटिव तो ये था भी नशे से मुंह मोड़े और खेलों से नाता जोड़े। तो क्रिकेट में और कबड्डी में थोड़ा फर्क है कि कबड्डी हमारा खुद का शरीर का जोर लगता है, तो हमने इस कबड्डी खेल को चुना तो भरपूर सहयोग मिला हमें। फर्स्ट मैच जो हमने स्टार्ट किया था 2015 से, तब भी हमें सहयोग मिला। आज भी हमारी पूरी जो ग्राम पंचायत है, पूरा गांव, समस्त गांववासी है, सहयोग करते हैं। हम बाहर से आई टीमों को खाना खिलाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, जो भी होता है उनकी टीमों का अच्छे मैच करवाते हैं, डिस्पैच फैसले होते हैं, सब कुछ। दिल्ली सर, अंतिम छोर का गांव हरियाणा प्रदेश का, और डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी दूर आपका गांव है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं खेलों को लेकर गांव में? देखो जी, व्यवस्था कुछ नहीं है। ये जो आज आप खेल चला रहे हैं, ये आप अपने सहयोग से चला रहे हैं, खुद का सहयोग लगा लो या ग्रामवासियों का सहयोग। जहाँ तक अब सरकार की बात करें, सरकार का हमारे पास कोई सहयोग नहीं। अगर सहयोग सरकार को देना हो तो हमें स्टेडियम दे दो, बढ़िया जहाँ बच्चे खेल सकें। अभी 5 साल से हम मतलब गेम करवा रहे हैं, तो आज हमारे पास अगर मैट की व्यवस्था होती तो कितने ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। हमारे से दिल्ली साइड से सोनीपत पिछली बार हमारे फाइनल में जीत के गया, तो बहुत दूर दूर से टीमें आती हैं, अच्छे मैच होते हैं। हमारे सालों में भी है, ये जो बच्चे खेल रहे हैं, कमियां कहाँ रही कि आज इस इवेंट गांव में करवाने पड़े, तो सरकार अगर लंबा लेके चलती है तो क्या कुछ मानते हैं? सरकार की, कोई भी सरकार आती है उसकी मनसा नहीं होती। जैसे गांव के बच्चे के अंदर टैलेंट इतना ज़्यादा है, हद से भी ज़्यादा, लेकिन सरकार की जगह मनसा हो, हर गांव के अंदर छोटे छोटे ग्राउंड उपलब्ध हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो खेल के प्रति, तो एक तो जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है वो नशे की तरफ नहीं जाएगी, खेलों की तरफ जाएगी, और खेलों की तरफ जाएगी तो भारत का नाम भी रोशन करेगी आगे चल के। हर जगह जैसे खेल का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हमारे गांव के अंदर तो ये है जी, हमारे देश का गांव, हम तो ये कहते हैं किसी को मिले तो बहुत ही शर्म का काम है। हमारा गांव निर्विरोध तो पंचायत है सारी की सारी, यहाँ के पंच सरपंच सारे निर्विरोध है। सरकार से हमें इनाम तकात लिया है, 11-11 लाख रुपये, 5 लाख रुपये किसी पार्टी लिए, किसी ने ऐसे करके 20 लाख रुपये हमने इनाम लिया है निर्विरोध पंचायत के तौर पर। और आज पूरा का पूरा गांव 5 साल से इन बच्चों को खिलाता है हर साल, और पूरा गांव सहयोग करता है। रमेश जी, ये जो नशे की बात चल रही है, हर आदमी चाहता है कि बच्चों को नशे से बचाएं, आपकी अगर गांव बात करें तो बहुत देहात और ग्रामीण क्षेत्र का अंचल है अपना, क्योंकि राजस्थान से आप सटे हैं, वहाँ का कल्चर भी, जैसे आप एंट्री करते हैं आपके गांव की तरफ तो लग जाता है भी राजस्थानी कल्चर में आप आएँ, तो यहाँ कितने दिन से ये मामला प्रकोप में है, कितने दिन से बच्चों में नशे की लत है? हमारे गांव में तो कोई नशा वाला है ही नहीं, पहली बात तो ये। अगर एरिया की बात करें, और एरिया की बात करें तो एरिया के अंदर 5-7 सालों में नशे के प्रति ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ा है। जैसे जगह जगह सुनते हैं, बोले जी वो चीटा पीता है, वो ये करता है, वो कोई अफीम खाता है, कोई डोडा पीता है, कोई कुछ करता है, ये 5-7 सालों से ज़्यादा दौर चल रहा है। तो आपके गांव में अब तक कोई ऐसा आदमी? हमारे गांव के अंदर ऐसा है भी नहीं, और अगर हमारे गांव के अंदर कोई होगा तो हम तो आप उसको लेकर थाने के अंदर खड़ा कराएंगे। ये खुलम खुला गांव के अंदर आज से 2-3 साल या 2.5 साल हो गए तकरीबन, DSP साहब और SO साहब की यहाँ मीटिंग हुई थी, तब भी हमने ये कहा था भी हमारे गांव के अंदर जो अगर कोई नशा बेचता है या कोई करता है तो हम उसका फुल विरोध करेंगे, और गांव उसको दंडित भी गांव करेगा।
और थाने के अंदर भी गांव पकड़ाएगा उसको। और ये फैसला गांव का फैसला है, हमारे गांव के अंदर तो शराब का ठेका तकात बंद है। जी जी, हम तो वो भी नहीं चाहते, नशे के प्रति हमारे गांव नहीं जा रहा। लेकिन ये एक सरकार की कमियां भी है यहाँ कि गांव जितना सहयोग कर रहा है बच्चों के प्रति, कुछ सहयोग अगर सरकार करे, यहाँ ग्राउंड मिले बच्चों को खेलने के लिए, पूरी पूरी व्यवस्था हो, तो हमारा गाँव तो इस देश का नाम रोशन कर देगा आगे चलकर। बच्चों के अंदर हौसला बहुत है,